ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माँ लक्ष्मी की कृपा को नहीं प्राप्त करना चाहता है। आपके आए दिन मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं कि हे पंडित जी, हमारे घर में धन का अभाव रहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल के तौर पर होती है, धन के अभाव को लेकर, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ ऐसे तरीके मैं आपके साथ साझा करूँगा जो तरीके आपके साथ कभी किसी ने साझा नहीं किए होंगे। वह बातें आपके साथ बताने वाला हूँ। उन उपाय को करने से, इन तरीकों को अपनाने से आपके जीवन में आने वाले 14 दिनों में, 15 दिनों में ही आपको एक बहुत बड़ा सकारात्मक फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि इन तरीकों को बहुत शांति के साथ करना है, बहुत सावधानी के साथ करना है, क्योंकि यह तुरंत तो रिजल्ट देते ही हैं, लेकिन ये कुछ गलतियाँ हो जाने से इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो ये बात सावधानी के साथ समझें। सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है आज से ही, एक पीला कपड़ा लें। पीला कपड़े में 5 इलायची रखें। इलायची बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, घर में खाने की इलायची वो होती है, और भगवान सत्यनारायण के या भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दे, या लक्ष्मी मंदिर जो भी हमारे घर के आसपास हो वहाँ पर वो अर्पित कर दे, पीले कपड़े में बांधकर। इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप बुधवार के दिन कर सकते हो, दो में से कोई एक दिन इस प्रयोग को आपको करना है। इस प्रयोग को एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। ऐसा करने से आने वाले 15 दिनों में, 20 दिनों में और 11 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक सडन पॉजिटिव बदलाव दिखेगा, और आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी सारी परेशानियां हैं आप खुद देखेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव।